आरक्षण हो और मुकदमे वापसी हो, मुख्यतः तो दो ही मांग है। तो अभी तक कोई वापसी नहीं हुआ। हाँ, जिस तरह महाराष्ट्र में सरकार ने समय सीमा तय की है, विधानसभा का सत्र है 16 तारीख से, उसमें पूरी विधानसभा के सामने समय सीमा तय हो और आगे उस पर बात हो तो मतलब उसके बारे में भी सोचा जाए। देखिए, पूरे हरियाणा में भाईचारा सम्मेलन 2 जून के बाद आयोजित किए गए, 2 जून में जो निर्णय लिया था और जो 16 अगस्त से आंदोलन की शुरुआत हो रही, वो एक तैयारी भी है कि आगे हम किस तरह से आंदोलन करें, क्योंकि सरकार ने जो फरवरी 2016 में भाईचारा तोड़ के अपने मंत्री के माध्यम से, धनखड़ के माध्यम से, कैप्टन अभिमन्यु के माध्यम से और बड़ावे के माध्यम से जो आंदोलन की शुरुआत कराई थी, और उसके बाद उससे एक साल पहले सैनी के माध्यम से रोशनलाल आर्या और मनीष ग्रोवर और ऐसे तमाम लोग, अश्विनी चोपड़ा जैसे लोगों ने जो इस हरियाणा का भाईचारा ख़राब करने का काम किया था, जो जात पात का जहर घोला था, वो काफ़ी हद तक तो हम लोग जून 2016 के धरने, 2017 जनवरी से मार्च तक के धरनों पर ख़त्म कर चुके थे, लेकिन दोबारा इनकी साजिश थी, जिस तरह के आरोप इन्होंने गढ़ने शुरू किए थे और जिस तरह से इन्होंने 3-4 आदमी जाट समाज के ही संगठन को बदनाम करने की साजिश के तहत और झूठे मुकदमे दर्ज कर जिस तरह ये आंदोलन को कमज़ोर करने की फिराक में थे, तो पूरे भाईचारे को ये बताया जा रहा है कि ये सरकार की साजिश थी, राज करने वालों की साजिश थी, और इस साजिश का खुलासा करें और अपने गांव-गांव में भाईचारा कायम करें और अपनी मांगों को मनवाने के लिए जो 16 अगस्त से संदेश होगा आंदोलन का, उसको पूरा करने का काम करें। इसके बाद कह रहा कि जिसने 2016 का 14 तारीख को आंदोलन कराया था वो ओम प्रकाश धनखड़ का सगा मौसा था, क्या आंदोलन जिसने शुरू कराया उस पर मुकदमा नहीं होना चाहिए था? 12 फरवरी से हवा सिंह सांगवान को 13 तारीख को ओम प्रकाश धनखड़ और हवा सिंह सांगवान की क्या बात हुई कि वही लोग जो वहाँ रेल ट्रैक पर बैठे थे वही आके यहाँ 14 तारीख को सांपला में रास्ता रुकवाने का काम किया, और ये तमाम बयान क्रॉस चेक में हैं तमाम जगह, हवा सिंह सांगवान के जो जेड़ी गंडासों की ट्रेनिंग दे रहा था, ये एक बड़ी साजिश थी जाट कौम के साथ और हरियाणा के भाईचारे के साथ कि जिससे किसान और मजदूरों को आपस में लड़ाया जा सके और अपनी रोटियां सेक सके, व्यापारियों को तो कंपनसेशन मिल भी गया लेकिन भाईचारे को क्या कंपनसेशन मिल गया, और जिस तरह उन व्यापारियों को आतंकित किया जिससे कि वे जाट समाज के साथ उनके भी संबंध खराब हो जाए और एक आरोप झूठा लगाया जा सके, उसके खिलाफ ये सारे एक्सपोज किया जा रहा। लेकिन अभी भी मैं देखता हूँ, कल मैं पानीपत में था, बयान हमारे कुछ और है और मीडिया लिखता कुछ और है, तो ये भी एक बड़ी साजिश है, एक बहुत बड़ी साजिश जो मीडिया आज की तारीख में सरकार का गुलाम बना हुआ वो भी इसको बहकाने का मुद्दे को प्रयास कर रहा है, इसलिए इस आंदोलन की शुरुआत हो। तो कितनी है कि आरक्षण हो और मुकदमे वापसी हो, मुख्यतः तो दो ही मांग है। तो अभी तक कोई वापसी नहीं हुआ। हाँ, जिस तरह महाराष्ट्र में सरकार ने समय सीमा तय की है, विधानसभा का सत्र है 16 तारीख से, उसमें पूरी विधानसभा के सामने समय सीमा तय हो और आगे उस पर बात हो तो तब उसके बारे में कुछ सोचा जाए। तो वहाँ से बहुत आगे होंगे। ओ भाई, बढ़िया बोलते भाई।